नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। तो आज मैं आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। डेफिनेटली सारी नॉलेज गूगल पे मौजूद है, फिर भी एक एप्रीहेंशन अंदर से रहती है किसी को अगर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाए कि ये कैसे होगा। तो थोड़ा सा मैं एज अ सर्जन आपको सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर वन, ये हमारी दो किडनी हैं जो नॉर्मली पेट के अंदर होती हैं पीछे की साइड पर। तो हमेशा ये एक क्वेश्चन रहता है कि मेरी जो दोनों किडनी खराब हो गई हैं उनको निकाला जाएगा कि नहीं। तो उसका मैं आंसर ये देना चाहूँगा कि नॉर्मली जो किडनीज खराब हो गई हैं हम उसको नहीं निकालते हैं, वो अपनी जगह वैसे ही रहती है। तो दोनों किडनीज किसी भी तरह नहीं निकाली जाती हैं। उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो अगर किडनीज में कोई इन्फेक्शन हो या उसके अंदर बड़ी बड़ी सिस्ट हो, जिसकी वजह से कुछ इंडिकेशन की वजह से हम 1-2% पेशेंट्स के अंदर ये किडनी निकालते हैं। बाकी 98% पेशेंट्स जो हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं उनमें हम लोग पुरानी किडनीज को नहीं छेड़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि नई किडनी कहाँ लगेगी। तो नई किडनी लगाने के लिए हम यूजुअली इस एरिया का चयन करते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये हमारा पेट है, ये अम्बिलिकस है और हम लोग नई किडनी यहाँ पर लगाते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक इतना बड़ा चीरा आता है और इस एरिया को हम लोग खोल करके यहाँ पर आपकी किडनी लगाई जाती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद आप मान के चलिए कि आपकी दोनों जो पुरानी किडनी है वो वैसे ही रहती है, प्लस एक नई किडनी इस एरिया में लग जाती है। तो नॉर्मली जो सर्जरी होता है बेसिकली एक उसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट हम लोग को कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। नॉर्मली एक किडनी के अंदर एक आर्टरी होती है जो जिससे अच्छा खून किडनी की तरफ जाता है, एक वेन होती है जिससे किडनी से खराब खून फिल्टर होकर के बाहर निकलता है और एक यूरिन का पाइप होता है। वो तीनों कनेक्शन हमको यहाँ बनाने पड़ते हैं। वंस द ब्लड गोज इनसाइड द किडनी थ्रू वन ऑफ दोज कनेक्शंस, यूरिन एकदम से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो किडनी अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि इमीडिएटली जैसे ही हम लोग ये कनेक्शन जोड़ते हैं किडनी तुरंत काम करना शुरू कर देती है और हमें उसके बारे में जब यूरिन प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई किडनी इमीडिएटली काम शुरू करना शुरू कर दी है। तो नॉर्मली ये एक बहुत ही सेफ सर्जरी है एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर है एंड इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर समबडी हु इज़ हैविंग किडनी फेलियर। तो अगर आपके पास एलिजिबल डोनर है और आपको किडनी आपकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया है तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट है आपकी किडनी फेलियर के लिए। और उसके लिए अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो एट मणिपाल हॉस्पिटल वी हैव गॉट अ वेरी गुड टीम हु कैन लुक आफ्टर यू वेल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम ओवर एंड मीट अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।